काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और आगामी चुनाव की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते लगातार पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसी के चलते भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में पहुंचे। राकेश गिरी ने जनपद उधम सिंह नगर के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा है, उसमें हमने उत्तराखंड में सभी जिलों का गठन किया और गठन करने के बाद मेरा विचार ये बना कि जहाँ जहाँ हमारा पूरा जिला गठन हो गया वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ एक परिचयात्मक हम बैठे। मंडल तक का हमारा गठन है, मंडल के कार्यकर्ता का चेहरा हम देखे, मंडल के कार्यकर्ता हमारा चेहरा देखे, एक हमारा प्रेम भाव आत्मीय भाव उसमें बढ़े, तो ऐसे मैंने अपना विचार किया है और पूरे उत्तराखंड में मेरा ये प्रवास है। हम तो इस नज़र से देख रहे हैं हमारा जितना भी ओबीसी समाज है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हम लोग उसको और अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं, ये हमारा नज़र है कि 2022 में सारा समाज अपना, चाहे उसमें सैनी समाज हो, गुर्जर समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, प्रजापति समाज हो, लोधी समाज हो, जितना भी ऐसे ओबीसी समाज है, वो सारा का सारा समाज एक तरह से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो, ऐसा हमारे सब लोगों का एक मिशन है और हम लोग लगाएंगे इस काम में और लगेंगे सारे कार्यकर्ता। नहीं, वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इस विषय को अभी विचार जो भी करेंगे उसमें साथ हम लोग उसी के आधार पर चलेंगे, पर मैं नहीं समझता उसका कोई यहाँ पर वो है, कुछ नहीं उसका।